सभी भावी अध्यापकों का मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास चैनल की तरफ से। मैं आशीष आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं जो कौन सा जो है बैच चल रहा है, कितनी पोस्टें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं और कौन सा बैच अपडेट चला हुआ, ये सारी जानकारी। लेकिन उसके लिए आप वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और साथ में काउंसलिंग शेड्यूल जो आपका तय किया गया और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सीधे ही चलते हैं हम कि प्रेस नोटिस जो है वो रिलीज हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक हमीरपुर के कार्यालय में प्रशिक्षित स्नातक कला नॉन मेडिकल मेडिकल और अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अध्यार्थी अनुबंध आधार पर भरने के लिए जो इंटरव्यू है उनका शेड्यूल जो है वो तय है। तो आप देख लेते हैं सबसे पहले कि कितनी कितनी पोस्टें हैं। हमारे टीजीटी आर्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 112 हैं, वार्ड ऑफ एक्ट सर्विस में WFF जो है आपके 4 हैं, EWS की 39 है, टोटल मिला के 155 हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें तो टीजीटी नॉन मेडिकल की तो रिजर्व में जो है वो 53 हैं और साथ में आपकी जो है WFF की 2 हैं, EWS की 18 हैं और टोटल मिला के जो है वो 13 हैं। और TGT मेडिकल की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी की 39 हैं, WFF की 1 है, EWS की 13 हैं, टोटल मिला के जो है 53 हैं। और उसी तरह अगर हम बात कर लें OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी में जो है वो आपकी TGT आर्ट्स की 50 हैं और BPL में उसमें 11 हैं, WFF की 1 है और उसमें टोटल जो है मिला के 62 हैं। TGT नॉन मेडिकल की 23 अनरिजर्व में, BPL में 5 हैं और टोटल मिला के 28 हैं, WF और EWS उसमें नहीं है। और TGT मेडिकल की अगर हम बात कर लें तो अनरिजर्व में 17 हैं, BPL की 4 हैं और टोटल मिला के 21 हैं। और इसके बाद हम SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 62 हैं और उसके बाद BPL में SC BPL में 11 हैं, WF में 2 हैं और टोटल मिला के 75 हैं। और TGT नॉन मेडिकल की बात करें तो अनरिजर्व में 29 हैं, BPL में 5 हैं, WFF में 1 है और टोटल मिला के जो है 35 हैं। उसी तरह जो है हमारा TGT मेडिकल का जो है वो SC कैटेगरी में अनरिजर्व में 20 हैं, BPL की 4 हैं, WFF में 1 है और टोटल मिला के जो है वो 25 हैं। और ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 11 हैं, BPL में 4 हैं और टोटल मिला के ST कैटेगरी की 15 हैं। उसी तरह TGT नॉन मेडिकल की अनरिजर्व में 5 हैं, BPL में 2 हैं और कुल मिला के 7 हैं। और TGT मेडिकल ST की बात करें तो अनरिजर्व में 4 हैं, BPL की 1 है, कुल मिला के 4 हैं। अगर हम इन सब का टोटल करके देखें तो TGT आर्ट्स नॉन मेडिकल और मेडिकल की तो टोटल मिला के जो हैं आपकी 554 जो हैं वो 554 जो हैं टोटल आ रही हैं। तो TGT आर्ट्स की जो हैं टोटल कुल मिला के 307 हैं सभी कैटेगरीज को मिला के, और TGT नॉन मेडिकल की 143 हैं और TGT मेडिकल की 104 हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा जो है वो रिक्वायर्ड बीएड पासिंग बैच जो है वो उसके जो है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजे गए हैं। तो जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हैं अनरिजर्व का 2000 बैच चला हुआ, WFF का 2006 का है, अनरिजर्व का 1999 का है। TGT नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 1999 का है, WFF का 2006 का है, अनरिजर्व जो है आपका TGT मेडिकल में 2001 का है और WFF का अप टू डेट जो है वो चला हुआ है। और EWS उसी तरह हम अगर EWS की बात कर लें तो TGT आर्ट्स में 2003 का है अनरिजर्व में
और आपका जो है टीजीटी नॉन मेडिकल का भी 2003 का है और टीजीटी मेडिकल का जो है 2006 का है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो टीजीटी आर्ट्स का 2003 का है, बीपीएल का 2004 का चला है, डब्ल्यूएफएफ का आपका अपडेट चला हुआ है और टीजीटी नॉन मेडिकल का 2002 का चला है और बीपीएल का 2004 का। ओके, ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ और WFM में कोई भी पोस्ट नहीं है। और TGT मेडिकल की अगर हम बात करें तो बैच अनरिजर्व OBC कैटेगरी का चला है 2006 का, BPL का अप टू डेट है और WFF का कोई भी पोस्ट नहीं है। और अगर SC कैटेगरी की हम बात कर लें यहाँ पे तो 2003 अनरिजर्व, BPL का 2004 और WFF का अप टू डेट चला है और TGT नॉन मेडिकल 2006 अनरिजर्व, BPL का 2009 और WFF का अप टू डेट है। और TGT मेडिकल SC की बात करें तो 2006 अनरिजर्व, BPL का 2010 और WFF का अप टू डेट चला है। और उसी तरह ST की बात करें तो TGT आर्ट्स जो है 2004 अनरिजर्व, BPL 2006, WFF नॉट एप्लीकेबल और TGT नॉन मेडिकल 2007 और BPL अप टू डेट और जो है आपका WFF जो है नॉट एप्लीकेबल। TGT मेडिकल की बात करें ST कैटेगरी में तो अनरिजर्व 2005, BPL 2010 और WFF का नो पोस्ट। तो ये था जो रिक्वायर्ड BEd पासिंग बैच था। अब हम शेड्यूल भी देख लेते हैं कि कब कब जो काउंसलिंग है। अगर TGT आर्ट्स की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेके 10 बजे से शाम 5 बजे तक है और नॉन मेडिकल की 6/10/2020 यानी कि आपकी 6 अक्टूबर 10 से 5 और नॉन मेडिकल की बात करें तो 7/10/2020 ये भी आपका टाइमिंग 10 से 5। ने कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी बीएड या कॉलेज जो है वो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हुआ है और पात्रता परीक्षा जो है आपकी बोर्ड धर्मशाला या फिर HP जो आपका हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड प्लस कमीशन हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ कमीशन हमीरपुर उससे जो है वो आपका टेट जो है सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। और दूसरा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पालन करें और कोई भी समस्या आती है तो वेबसाइट में आप देख सकते हैं। पूछताछ के लिए दूरभाष नंबर दिए हैं और प्रार्थी बायोडाटा फॉर्म इस कार्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड करें और साथ में बायोडाटा फॉर्म के साथ सभी सर्टिफिकेट का लेटर भी दर्शाए गए क्रम अनुसार संलग्न जो है आप करें। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपका जो अपडेट था वो मैं बता चुका हूँ और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, अगर PTO अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।